नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। वीडियो टीवी भारत के खास प्रोग्राम तबियत पानी में आप सभी का स्वागत है। दोपहर में लंच हो या रात का डिनर हो, एक कटोरी गर्मा गर्म दाल और ऊपर से घी लहसुन का तड़का भोजन का आनंद कर देता है दुगना। दाल रोटी हो या दाल चावल, खिचड़ी या दाल मखनी, भारत के हर प्रांत और हर घर में दाल का इस्तेमाल रोजमर्रा के भोजन में अलग अलग तरीकों से होता है। दरअसल दाल प्रोटीन का एक प्रमुख स्रोत है और वेजिटेरियन डाइट या शाकाहार करने वालों की डाइट में प्रोटीन की दैनिक जरूरत को पूरा करने में दालों का महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे आसपास विभिन्न प्रकार की बीन्स, दलहन और दालें उपलब्ध हैं। कुछ प्रकार की बीन्स में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, उनका सेवन करने से प्रोटीन की अधिक मात्रा प्राप्त होती है। तबियत पानी में जानते हैं दालों के फायदों के बारे में। गुणकारी और प्रोटीन से भरपूर चने से, अनार से बनने वाली है दाल हाइपरटेंशन के मरीजों के लिए बहुत लाभदायक मानी जाती है। इसके साथ ही चने की दाल प्रोटीन का भी एक अच्छा स्रोत होता है। 200 ग्राम चने की दाल खाने से 10 ग्राम का प्रोटीन प्राप्त होता है। इसके अलावा चने की दाल में कैल्शियम, आयरन और पोटेशियम भी प्राप्त हो सकता है। चने की दाल के सेवन से शरीर में रेड ब्लड सेल्स की मात्रा बढ़ती है और इससे कार्डियोवास्कुलर हेल्थ में भी सुधार हो सकता है। सर्दियों के मौसम में अरहर की दाल का सेवन स्वास्थ्य को कई प्रकार से लाभकारी साबित हो सकता है। अरहर की दाल या तुअर की दाल में प्रोटीन का भी लेवल काफी अच्छा होता है। 100 ग्राम अरहर की दाल में लगभग 20 से 25 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। अरहर की दाल में हेल्दी कार्बोहाइड्रेट और आयरन की भी अधिक मात्रा होती है। साइनस और पीठ दर्द जैसी समस्याओं में मसूर की दाल का सेवन करना बहुत लाभदायक होता है। मसूर की दाल के सेवन से प्रोटीन की भी अच्छी मात्रा प्राप्त हो सकती है। 100 ग्राम मसूर की दाल में 10 ग्राम तक का प्रोटीन होता है। लाल मसूर की दाल में प्रोटीन के अलावा फॉलिक एसिड और मैग्नीशियम की भी अच्छी मात्रा होती है। पोटेशियम और आयरन से भरपूर होने के कारण उड़द की दाल का सेवन बहुत स्वास्थ्यवर्धक साबित हो सकता है। आमतौर पर 100 ग्राम उड़द की दाल में 10 से 15 ग्राम का प्रोटीन प्राप्त हो सकता है। रोजाना 1 से 2 कटोरी उड़द की दाल का सेवन करने से न केवल प्रोटीन की अच्छी मात्रा प्राप्त होती है बल्कि इसमें कैल्शियम, फाइबर और मैग्नीशियम भी होता है, वो भी आपको मिलता है। उड़द की दाल के सेवन से मिलने वाला प्रोटीन मसल्स ग्रोथ में मदद करता है। तिब्बत पानी में आज सिर्फ इतना ही। मैं लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।